नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला का निधन। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का बुधवार को निधन हो गया। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी के शर्मा के मुताबिक श्रीमती आडवाणी को बुधवार की शाम 5:10 पर एम्स लाया गया था। उस समय वो अचेत अवस्था में थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। श्रीमती आडवाणी को 6:10 पर मृत घोषित कर दिया गया। वे 83 साल की थी। कमला आडवाणी निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कई राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। पाकिस्तान का बयान, भारत ने पेश नहीं किए सुरक्षा बलों से जुड़े गवाह। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल के सामने सुरक्षा बलों से जुड़े गवाहों को पेश नहीं किया। पठानकोट और नई दिल्ली का दौरा करके जीआईटी के लौटने के बाद अपने पहले बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस देश में मीडिया में चल रही उन खबरों का कोई जिक्र नहीं किया जिनमें दावा किया गया था कि पठानकोट के हमले भारत ने कराए थे। भारत में इस खबर की तीखी निंदा हुई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के बयान के अनुसार जेआईटी ने अपराध स्थल का मुआयना किया और कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े गवाहों को उसके सामने पेश नहीं किया गया। कश्मीर में मुठभेड़, दो आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आज हिजबुल मुजाहिदीन के दो अवांछित आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों में एक व्यक्ति पूर्व में पुलिसकर्मी रह चुका है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ यहां से 55 किलोमीटर दूर स्थित शोपियां के वेहिल गांव में हुई। मुठभेड़ की शुरुआत 62 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों द्वारा इलाके में खोजी अभियान चलाए जाने के बाद हुई। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए और उनके पास से दो हथियार बरामद हुए हैं।